हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ और आपने आज तक सुना है कि धरती से बाहर किसी और प्लैनेट पे अगर आप बिना स्पेस सूट में उतरते हो तो उस प्लैनेट का बहुत ज़्यादा ग्रेविटी, हाई प्रेशर और बैड एटमॉस्फेयर और उस प्लैनेट का खतरनाक और जहरीले गैसें आपके शरीर को कुछ सेकंडों के अंदर तहस नहस कर देंगे। लेकिन वेट, साइंटिस्टों का भेजा गया केपलर टेलीस्कोप के माध्यम से कुछ नया प्लैनेट का खोज मिला है, जहां पर अगर आप जाते हो तो उस प्लैनेट का एनवायरनमेंट आपके अंदर एक सुपर पावर डाल देंगे। एंड आई एम नॉट किडिंग, क्योंकि इन प्लैनेटों का एनवायरनमेंट हमारे धरती से काफी हद तक बेहतर है। और हमारे धरती का एनवायरनमेंट तो ऐसा है जहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों प्रजाति का स्पेसिस पनप सकता है, लेकिन साइंटिस्टों को नया खोजा गया प्लैनेट्स का एनवायरनमेंट हमारे धरती के मुकाबले में हर तरफ से बहुत ज्यादा बेहतर है। और इतने दिन से साइंटिस्ट लोग बस योलो टॉप स्टार के चारों ओर यानी कि सन जैसे स्टार को चारों ओर प्लैनेट को ढूंढते थे, लेकिन वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन का साइंटिस्ट डार्क स्क्वाइज मैकोज का टीम ने येलो डॉप स्टार के साथ साथ ऑरेंज डॉप स्टार के चारों ओर भी प्लैनेट को खोजबीन चालू किया। और इसी खोजबीन के चलते उन्होंने 24 से अधिक हैबिटेबल प्लैनेट का आविष्कार किया, जहां पर जीवन हमारे धरती के मुकाबले में अधिक स्पीड में इवॉल्व कर सकता है। और किसी भी स्पेसिस को इवॉल्व करने के लिए चाहिए अच्छे एटमोस्फियर, सुइटेबल टेम्परेचर, वाटर और एक अच्छी लैंड सरफेस। और ये सारे चीजें नए खोजे गए प्लैनेट्स के अंदर हमारे धरती के मुकाबले में हर एक एंगल ऑफ साइट से काफी हद तक बेहतर है। और इसका मतलब अगर ये सारे प्लैनेट्स के अंदर अगर जीवन इवॉल्व करता है तो वो सारे जीव हमारे धरती के जीवों के मुकाबले में काफी हद तक कई गुना ज्यादा बेहतर होगा। और साइंटिस्टों को खोजा गया 24 हैबिटेबल प्लैनेट में से एक प्लैनेट्स का नाम है KY5715.01, जिसका सरफेस टेम्परेचर धरती के सरफेस टेम्परेचर से कम है। और साथ ही इस प्लैनेट का मास आज से 7 गुना ज्यादा है और साइज 8 गुना ज्यादा है, और जिसका मतलब इसका लैंड सरफेस भी ज्यादा होगा। और इसका साइज ज्यादा होने के वजह से ये स्पेस टाइम को ज्यादा मोड़ता है और जिसके कारण इसका ग्रेविटी भी ज्यादा है। और इसी सब फैक्टर के वजह से ये प्लैनेट का एटमॉस्फेयर भी स्टेबल होगा। और ये सारे प्लैनेट्स के अंदर अगर पानी का अगर बात किया जाए तो हॉट स्टार और प्लैनेट का एक परफेक्ट दूरी होने के वजह से साइंटिस्ट लोग ने यह अनुमान लगाया है कि ये सारे प्लैनेट्स के अंदर भरपूर परिमाण में पानी मौजूद होगा। और दूसरी तरह अगर और एक हैबिटेबल प्लैनेट KY5715.01 की अगर बात किया जाए तो इस प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि ह्यूमन बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट है। और इस प्लैनेट का टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट के वजह से यहाँ पर लगातार नाइट्रोजन साइकिल चालू है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल हमारा अर्थ के लिए कितना ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि नाइट्रोजन मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि एमिनो एसिड, प्रोटीन और यहाँ तक कि DNA। और जितना ज्यादा नाइट्रोजन होगा उतना ज्यादा इकोसिस्टम तेजी से इवॉल्व करेगा और तेजी से प्लैनेट का एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये सारे प्लैनेट्स को अभी अभी ढूंढा गया है, इसलिए ये सारे प्लैनेट्स का पूरा डिटेल्स अभी भी साइंटिस्ट लोगों के पास नहीं है, लेकिन साइंटिस्टों का नया दूसरा भेजा गया जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से रिसर्चर्स टीम ये सारे प्लैनेट्स के ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया है। और वीडियो में जिन 2 प्लैनेट्स का बात किया गया है वो प्लैनेट को छोड़कर भी हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसा प्लैनेट्स मौजूद है जो हमारे धरती से काफ़ी हद तक कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और कुछ ही सालों के अंदर रिसर्चर्स के टीम ये सारे प्लैनेट्स का पूरा डिटेल्स हमारे सामने ले आएगा। और मार्स मिशन के बाद साइंटिस्ट लोगों का दूसरे मिशन शायद ये सारे प्लैनेट्स के ऊपर होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में एक लाइक करना, और इस तरह का अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।